am Priyusha Madam. A very happy good morning to my dear students. मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे. बच्चों, कल मैंने आपको मेला पाठ की एक्सरसाइज कराई थी, आज मैं उसके आगे का आपको कराने वाली हूँ. अच्छा बच्चों, ये बताइए, जैसे कि कल आपने सही विकल्प चुने, ये सब बुक में किया, और पढ़ो और लिखो, पढ़ो और लिखो सुंदर हैंडराइटिंग में, ये सब आपने अपनी बुक में करके रखा होगा, ठीक है? वेरी गुड. और मैंने ये आपको कल पिक्चर बताए थे, और पिक्चर के साथ मैंने आपको ये भी इनके नाम लिखवाए थे, ये सब भी आपने करके रखा. अब अपन आगे बढ़ते हैं. अब आज आपको एक शब्द में उत्तर लिखना है. ऊपर हेडिंग दी है, एक शब्द में उत्तर लिखो. ये देखिए, एक शब्द में उत्तर लिखो. बच्चों, मैंने यहाँ पे भी लिख के रखा है, देखिए, एक शब्द में उत्तर लिखो, ठीक है? अब आपको क्या करना है, प्रश्न पढ़ना है और बुक में एक शब्द में आपको उत्तर देना है, ठीक है? अब देखिए, पहला वाला प्रश्न क्या है, सभी बच्चे कहाँ गए थे? तो बताओ, सभी बच्चे कहाँ गए थे? यस, सभी बच्चे कहाँ गए थे? मेला गए थे, जो कि पाठ का नाम है, मेला गए थे. तो फिर मैं यहाँ पे लिखती हूँ मेला. एक शब्द में उत्तर देना है तो एक शब्द में देना है मेला, और फुल स्टॉप, पूर्ण विराम लगाना है, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न है अपना, सबसे पहले बच्चों ने क्या किया? बताइए, क्या किया था सभी बच्चों ने सबसे पहले? यस, गुड. सबसे पहले सभी बच्चों ने झूला झूला था, ठीक है? अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सेकंड का उत्तर मैं लिख रही हूँ, झूला झूला था. तो सब बच्चे यहाँ पे लिखेंगे झूला झूला, ठीक है? झूला झूला. ओके, क्लियर हुआ? यहाँ पे सुंदर हैंडराइटिंग में आपको इसके सामने, प्रश्न के सामने उत्तर लिखना है, झूला झूला, ठीक है? अब मैं थर्ड पे आऊं. ओके, सुरेश ने क्या खरीदा? क्या खरीदा, कौन बताएगा? यस, गुड. सुरेश ने क्या खरीदा? केले खरीदे. क्या खरीदे थे? केले. गुड, वेरी गुड. अच्छा, यहाँ पे मैं लिखती हूँ के का मे की मात्रा के ले, ठीक है? केले खरीदे थे. ओके, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे केले, इधर पे आप लोग लिखेंगे, देखिए, केले. ओके, अब मैं फोर्थ पे आती हूँ. फोर्थ है, रमेश ने क्या लिया? कौन बताए, रमेश ने क्या लिया? क्या खाते हो आप लोग बर्थडे पे, क्या चीजें, क्या चीज काटते हो? यस, गुड, केक. रमेश ने क्या लिया? केक लिया, ठीक है? आप लोग फोर्थ के सामने जो फिलअप दिया है उसके सामने आप लिखेंगे केक. मैं ब्लैक बोर्ड पे आपको लिख के दे रही हूँ केक, ठीक है? सभी के बाद आप फुल स्टॉप लगाएंगे बुक में भी. ओके, सबके बाद आप फुल स्टॉप लगाएंगे, पूर्ण विराम लगाएंगे. पांच, जेबा ने क्या खरीदा? क्या खरीदा था जेबा ने, बताओ? यस, गुड. पेड़े खरीदे थे जेबा ने. तो फिफ्थ का उत्तर है पेड़े, ठीक है? सिक्स्थ है हमारा, नरेश ने क्या खाया? नरेश ने क्या खाया? खट्टे मीठे क्या होते हैं? बेर, सबको पसंद है ना? तो नरेश ने क्या क्या खाया था? नरेश ने क्या खाए? बेर खाए. तो अपन लिखेंगे बेर, ब में एक ही मात्रा बे और र खाली. देखिए, यहाँ पे बुक में लिखा है, ऐसे आप लोगों को लिखना है, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बेर, सिक्स्थ में बेर.
अच्छा बच्चों, ये तो था अपने प्रश्न उत्तर। अब अपन इसके नीचे आते हैं, तो इसके नीचे है सही वर्ण पर मात्रा लगाकर सार्थक शब्द बनाओ। ठीक है, आपको सही शब्द पे मात्रा लगानी है और एक करेक्ट वर्ड लेके आना है। ये जो वर्ड है ये गलत मात्राएं दी हुई है और इन वर्ड्स को आपको करेक्ट स्पेलिंग में लिखना है, करेक्ट शब्दों में लिखना है। ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे लिखना है। ठीक है, सब लोग अपनी अपनी बुक में इसके सामने जो फिलअप दिया है यहाँ पे आप लोग लिखेंगे। ठीक, अभी मैडम के साथ आप लोग करेंगे। ये तो सबका हो गया है, मैं मिटा रही हूँ। आप लोगों को बच्चों ये क्वेश्चन आंसर कॉपी में भी करने हैं। कॉपी में कैसे करना है मैं इसकी आपको कॉपी में आपको व्हाट्सएप पे फोटो पिक खींच कर दूंगी, तो उसको देख के मैम ने जैसे साफ सफाई से किया है वैसे आप करेंगे। मैं आपको बताती हूँ, ये इस तरीके से आपको लिखना है अपनी कॉपी में। पहले आप ऊपर लिखेंगे पाठ का नाम, पाठ का नंबर, पाठ का नाम, फिर उसको अंडरलाइन करेंगे, प्रश्न उत्तर लिखेंगे, फिर यहाँ पे आपकी बुक में जो लाइन दी होती है उसकी लाइन के इस तरफ प्रश्न और उत्तर लिखेंगे और इस तरफ आप लोग प्रश्न और उत्तर लिखेंगे। इस तरीके से इसकी पिक खींच के मैं आपको व्हाट्सएप पे दूंगी। ये आपको ये वाला काम आपको कॉपी में करना है, प्रश्न उत्तर वाला सिर्फ। ठीक है, बाकी बुक में जो फिलअप दिए हैं उसमें आपको बुक में फिलअप भरने। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ आगे का। ये पेज नंबर 30 सब बच्चे निकाल के रखेंगे। 30 का अपन सही वर्ण पर मात्रा लगाकर सार्थक शब्द बनाओ, ये वाला अपन कर रहे हैं। ठीक है, देखिए बच्चों पहला क्या वर्ड दिया है, काके। काके क्या कोई शब्द होता है क्या? नहीं होता है ना काके, तो क्या होता है, केक होता है, जो ऑलरेडी यहाँ पे ब्लैक उससे लिखा हुआ है, ब्लैक इंक से लिखा हुआ है। अब नीचे तोर, तोर क्या होता है, कुछ होता है तोर? नहीं होता, तो क्या होता है करेक्ट वर्ड, तारे। कौन से तारे? जो आसमान पे रहते हैं उन्हें हम तारे कहते हैं ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे तामे की मात्रा त, रमे की मात्रा रे, ता रे। ठीक है, तोर का क्या होगा, ता रे। ठीक है, अब फिर इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट चमकेन। चमकेन क्या होता है, चमकेन कुछ होता है क्या? चमकने, तो करेक्ट, गलत वर्ड लिख रही हूँ फिर करेक्ट वर्ड भी मैं आपको लिख के, चमके, चमकने, चमकने। ठीक है, ये पेज नंबर 30 में आपको करना है। ठीक है, सही वर्ड, सही वर्ड। ठीक है बेटा, अच्छा अब इसके बाद क्या है यहाँ पे, ललटेन, तो क्या होता है, लालेटेन कुछ होता है, लालेटेन नहीं ना, लालटेन, लालटेन वो जो गांव में रहती है ना, रोशनी दिखाते हैं जब लाइट चली जाती है, उसे हम कहते हैं लालटेन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ लालेटेन। ठीक है, तो करेक्ट वर्ड क्या है, ल में आती मात्रा ल, ट में ए की मात्रा टे, लाल टे। ठीक है, फिर हमारा आता है नेक्स्ट बारे। बारे क्या कुछ होता है, तो क्या होता है, बेर, जो चैप्टर में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो क्या होता है, बेर। तो अपन क्या लिखेंगे, ये वाले ऑप्शन यहाँ पे लिखेंगे बेर, इसकी करेक्ट स्पेलिंग है लिखेंगे। फिर लास्ट वाला है चलेन। चलेन कुछ होता है क्या, अपन ऐसे बोलते हैं चलेन हम, चलेन हम, नहीं ना, चलने, तो क्या होता है, चलेन का क्या होगा, ये गलत है, इसका करेक्ट वर्ड है चलने, चलने। ठीक है बच्चों, इतना आप लोगों को
अपनी बुक में करना है। ये वाली चीज आपको सिर्फ बुक में करनी है, कॉपी में नहीं करनी है। कॉपी में सिर्फ आप लोग प्रश्न उत्तर करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिसकी मैडम आपको पिक देगी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, अच्छा ये चैप्टर बेटा अपना खत्म हो गया है। इस चैप्टर में अपन ने क्या सीखी? एक ही मात्रा के प्रश्न उत्तर, एक ही मात्रा का उच्चारण, एक ही मात्रा कैसे लगाई जाती है। ठीक है, अच्छा मैंने कल आपको एक काम और भी दिया था, मैंने आप लोगों को दिया था सब बच्चे न्यूज़पेपर निकालेंगे और एक ही मात्रा के 5 वर्ड्स आप लोग राउंड अप करेंगे और उसे रफ कॉपी में लिखेंगे। ठीक है बेटा, आज भी आपको यही करना है, 5 वर्ड्स न्यूज़पेपर से एक ही मात्रा के निकालने हैं और उसको रफ कॉपी में लिखने हैं। कोशिश ये करनी है जो पिछली 3 क्लासेस में हमने एक ही मात्रा के नए शब्द निकाले थे वो वाले नहीं, कुछ नए शब्द निकालना, कुछ न्यू वर्ड ढूंढना और उनको रफ कॉपी में लिखना। ठीक है, इतना क्लियर हुआ बेटा आप लोगों को? तो इतना आप लोगों को करके रखना है, ये बुक में करेंगे, कॉपी में क्या करना है उसकी पिक मैं आपको व्हाट्सएप पे दूंगी। ठीक है बच्चों, इतना आप लोगों को क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं अपन। ओके बाय, टेक केयर, यू टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।